हिमानी कोचिंग सेंटर पर निःशुल्क किए गए बैग वितरण। किसी भी समाज के उत्थान के लिए उसे समाज का शिक्षित होना आवश्यक होता है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने विचारों का उड़ान दे सकते हैं। भारत देश की नींव उसके गांव की उसकी व्यवस्था है, और जब तक आप इसके गांव व्यवस्था में शिक्षा के स्तर को सशक्त नहीं कर सकते, तब तक गाँव वासियों को मुख्य धारा में लाना असंभव है। वहीं कहीं देखने को मिलता है गाँव वासियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। ब्लॉक डिलारी के गांव जटपुरा में मास्टर मुजफ्फर हुसैन उस्मानी ने उस्मानी कोचिंग सेंटर खोल रखा है। बताते चलें कि मुजफ्फर हुसैन उस्मानी का कहना है कि जो परिवार गरीबी रेखा की श्रेणी में आते हैं, आर्थिक तंगी की वजह से हाई स्कूल और इंटर तक की शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं, ऐसे छात्र छात्राओं को हम निःशुल्क शिक्षा देते हैं। सेंटर पर काफ़ी संख्या में लड़के व लड़कियाँ कैमरे की निगरानी में शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज भी सेंटर पर 70 छात्र और छात्राएँ निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और उन बच्चों को आज निःशुल्क स्कूल बैग वितरण किए गए। मास्टर मुजफ्फर हुसैन उस्मानी का यह एक सराहनीय कार्य है। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक डिलारी के कस्बा जटपुरा में। यहाँ पर एक कोचिंग सेंटर जो कुछ बच्चों को मुफ्त में शिक्षा यहाँ दी जाती है, जिसमें मुजफ्फर हुसैन उस्मानी साहब ने खोला है उस्मानी कोचिंग सेंटर। यहाँ पर कुछ बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। ये अपने आप में एक बहुत ही काबिले तारीफ काम है। यहाँ पर आज उन्हीं के द्वारा कुछ बैग यहाँ बच्चों को वितरण किए जा रहे हैं, जिसमें थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ मुजफ्फर हुसैन जी से लेकर आपको बताएंगे कि किस तरह से उनके दिमाग में या उनके दिल में ये जो एक भाव है मुफ्त में शिक्षा देने का, कैसे आया, क्या इसका मुद्दा है। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या उनका जो है विचार है इस बारे में। मुजफ्फर हुसैन जी, टुडे 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। यहाँ पर उस्मानी कोचिंग सेंटर जो ये आपने खोला है, जिसमें आप मुफ्त में यहाँ बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, किस तरह से ये विचार आपके मन में आया? जी मैम, असल में शुरू से ही, प्रारंभ से ही मेरा इस दिशा में एक अलग ही नज़रिया रहा है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करूं। जी, और मैंने काफ़ी दिनों तक यहाँ सेवा भी की है। पुराने जो इंटर कॉलेज रहे हैं वहाँ पे भी मैंने अध्यापन कार्य किया है, और उसी दिशा को लेते हुए मैंने आज आगे बढ़ करके, मुझे लगभग यहाँ 2-3 साल हो गए हैं और मैंने एक कोचिंग सेंटर चलाया है यहाँ पर। मेरा जो मकसद है वो यही है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो ठाकुर द्वारा या दिल्ली या कोटा वगैरह नहीं जा पाते हैं कोचिंग के लिए, वो यहाँ क्षेत्र में अपना आराम से और जो है बिना किसी परेशानी के यहाँ शिक्षा ग्रहण करें और कामयाबी उनको हासिल हो। जी, ये आपने अपने स्तर पर एक जो है बहुत ही काबिले तारीफ काम किया है, क्योंकि आज के दौर में जहाँ शिक्षा को केवल और केवल व्यापार की दृष्टि से देखा जाता है, यहाँ पर आपने कुछ बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करके एक बहुत ही बड़ा कदम जो है उठाया है। इसमें क्या कुछ और लोगों का योगदान आपके साथ शामिल है, या केवल आप निजी अपने ही तौर पर ये इतना बड़ा जो है कार्य कर रहे हैं? इसमें जो है जो भी मेरा स्टाफ है, इसका भी मेरा बहुत बड़ा योगदान है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि अभी जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षा में सम्मिलित होने वाले बच्चे हैं, उनको भी मैंने मैराथन क्लास के रूप में, हाई स्कूल और इंटर के जो बच्चे थे, लगभग 60 बच्चे हमारे पास थे जो निःशुल्क शिक्षा थी, उनको हमने जो है सुबह करीब 10 बजे से और 4 बजे तक लगातार मैथ की क्लासेस चलाई हैं, और उनका 60-70% तक कोर्स हमने उसका पूरा कराया। उसमें जो है मेरे पर आपके कोचिंग सेंटर में जब आपने ये सोचा, विचार आपके मन में आया, आपने कोचिंग सेंटर की यहाँ पर जो है शुरुआत की, तो बच्चों की संख्या में या बच्चों का कुछ इस तरह का विचार आपके, मतलब बच्चों के मन में आया, कोई सवाल आपके सामने आए, ये डायरेक्ट बच्चे जो है आपके पास में एडमिशन के लिए आ गए? इतनी संख्या हम देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी संख्या आपके कोचिंग सेंटर में है यहाँ पर, तो किस तरह से आपने ये प्रयास किया, इतनी मेहनत आपने की है, किस तरह से आपने ये तो जो है 2-3 सालों से, तो मैंने जब स्टार्टिंग में शुरू किया था तो 5-7 बच्चे ही मेरे पास थे, और उन्हीं के साथ मैंने काफ़ी मेहनत की है जी। और उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे चलते गए, कुछ कैंडिडेट्स हमारे जो है जो ऊपर भी गए जी, जैसे अभी ये जो रिजल्ट आ रहा है इसमें भी है, जो 68,500 भर्ती हुई थी उसमें भी हमारे 5-6 कैंडिडेट निकले थे जी। हाँ, और जो है जो 69,000 भर्ती चल रही है वर्तमान में, जो कोर्ट में लंबित है, माने आपके रिजल्ट, आपके कोचिंग सेंटर का रिजल्ट जो है आपको बेहतर देखने को मिला है? जी जी हाँ हाँ, बहुत काफ़ी कुछ उसमें बेहतर मिला है, और उसी का रिजल्ट शायद इन बच्चों के रूप में मुझे मिल रहा है, जो मेरे पास छात्रों की संख्या इतनी है जी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अंशिका चौधरी है। अंशिका चौधरी, आप यहाँ पर स्टूडेंट हैं? यस मैम। क्या आपको यहाँ इस कोचिंग सेंटर में ऐसी खासियत दिखाई दी जो आपने बाकी कोचिंग सेंटर छोड़कर इसी को ज्वाइन किया? यस मैम, क्योंकि यहाँ पर एक तो मतलब पढ़ाई का जो स्तर है बहुत अच्छे से है, और यहाँ का स्टाफ है, जो टीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं, और वो बच्चों को भी जैसे मतलब टीचर हैं, रेस्पेक्टेबल हैं, इसी टाइप से वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ऐसे बने। और सर ने जो है, हमारे मुजफ्फर हुसैन सर हैं, ये बच्चों के मतलब कि उज्ज्वल भविष्य की बहुत कामना करते हैं, और ये मतलब बहुत अच्छे से बच्चों को चाहते हैं कि सब अपने
सहयोग यहाँ स्टाफ का आप लोगों को पढ़ाई में मिलता है। सर ने यहाँ पर मतलब जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर कैमरे भी लगे हुए हैं और हमारी लैब भी है और यहाँ पर डेली अटेंडेंस भी लगाते हैं सर, ताकि मतलब कोई भी बच्चे आते हैं, बहुत से होते हैं कि घर से फैसिलिटीज से जो यहाँ सुविधाएं इन्होंने मुजफ्फर हुसैन जी ने आपको यहाँ इस कोचिंग सेंटर में जो फैसिलिटीज जो सुविधाएं आपको मुहैया कराई हैं उससे पूरी तरह से संतुष्ट हैं आप यहाँ पर? मैम बहुत अच्छी तरह से हम संतुष्ट हैं सभी, मुझे लगता है कि हाँ जो भी सर हमें सुविधा देते हैं बहुत अच्छी है। और किसी कोचिंग सेंटर पे है या नहीं है मुझे पता नहीं है, मैम फर्स्ट टाइम मैं यहीं पर आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि इसी क्षेत्र मतलब यहाँ पर आई हूँ और मैं यहीं से अच्छी सी जॉब लूँ, ताकि मेरे इंस्टीट्यूट को भी मतलब संस्था का भी नाम हो। और मैम मैं अपने सारे बिल्कुल हम भी उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं, धन्यवाद करती हूँ। आपका नाम बताइए। नीतीश चौधरी। नीतीश चौधरी जी, आप यहाँ उस्मानी कोचिंग सेंटर में जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं, यहाँ पर मुफ्त कुछ बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उसी के तहत जो है यहाँ बैग भी वितरित किए गए हैं। और मेरा मानना है, हालांकि ज़्यादातर देखा जाता है कि लड़के स्कूल या कॉलेजेस में बैग नहीं लेकर जाते हैं, तो क्या आप कभी बैग लेकर गए अपने स्कूल कॉलेज में? कभी नहीं। कभी नहीं लेकर गए हैं, तो अब जो यहाँ बैग वितरित हुए हैं और आपको भी मिला है, तो अब यहाँ कोचिंग सेंटर में बैग को लाते हुए आप कैसा महसूस करेंगे? जी मैं गर्व महसूस करूँगा, कॉलेज में कभी बैग बटे नहीं हैं, कोचिंग सेंटर में बैग दिए गए हैं मुफ्त में हमारे साथ में, तो मैं मतलब आप उनका आदर करते हुए इस कोचिंग सेंटर के बैग को लाने में गर्व महसूस करते हैं। यहाँ शिक्षा ग्रहण करने में आपको कैसा महसूस होता है? जी अच्छा महसूस होता है, मैंने कई सेंटरों पर शिक्षा ग्रहण करी है और मैं लगभग यहाँ 3 साल से हूँ, 3 साल से जी, मुझे बहुत अच्छा क्या और जो आसपास आपके कोचिंग सेंटर चल रहे हैं वहाँ के सुविधाओं और शिक्षा का जो तौर तरीका है उसमें और यहाँ के कोचिंग सेंटर में आपको कोई फर्क दिखाई देता? बहुत फर्क है पढ़ाई में और यहाँ के व्यवहार में, बहुत अच्छा।